हाल ही में एक सस्पेक्टेड चाइनीज बलून ने यूएस में काफी सुर्खियां बटोरी जब वो यूएस मिलिट्री के एयरबेसिस के ऊपर दिखाई दिया। उसके तुरंत बाद यूएस एयरफोर्स के एक F-22 स्टेल्थ फाइटर ने उस बलून को शॉट डाउन कर दिया था। अब यूएस मिलिट्री ने एक हाई रेजोल्यूशन फोटो रिलीज की है जिसे कि एक U-2S ड्रैगन लेडी स्पाई प्लेन से लिया गया है। इस फोटो में हम साफ एक यूएस एयरफोर्स के पायलट और बलून दोनों को एक ही फ्रेम में देख सकते हैं। ये फोटो 3 फरवरी की है और माना जाता है कि दो ड्रैगन लेडी स्पाई प्लेन इस बलून के काफी पास गए थे इसे मॉनिटर करने के लिए। रिलीज की गई फोटो में बलून को एक पेलोड कैरी करते हुए साफ देखा जा सकता है। पेलोड का सेंटर सेक्शन दोनों साइड के सोलर पैनल से कनेक्टेड है। फोटो को अगर जूम करें तो बीच में एक व्हाइट कलर की डिश और एंटीना साफ देखा जा सकता है। यूएस ऑफिशियल ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस बलून में काफी सारे एंटीना थे और ये सिग्नल इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए कैपेबल थे। दूसरी साइड चाइना इसे वेदर बलून कह के यूएसए के दावों को रिजेक्ट कर चुका है।